मोस्ट वांटेड विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद कानपुर शूटआउट की मेन कड़ी राहुल तिवारी भी सामने आ गया है। हम आपको बता दें कि ये वही शख्स है जिसकी एफआईआर के बाद पुलिस बिकरू गांव में विकास दुबे के यहां दबिश देने गई थी। राहुल ने पुलिस को बताया कि विकास दुबे ने रास्ते से उसे उछाल लिया था और घर में जमकर उसकी पिटाई भी की थी। राहुल तिवारी की माने तो जब विकास दुबे ने उनके साथ मारपीट की तो चौबेपुर थाने से निलंबित एसओ विनय तिवारी भी उस वक्त विकास दुबे के यहाँ ही मौजूद थे, जिन्हें अब गिरफ्तार किया जा चुका है। राहुल का कहना है कि थाना प्रभारी विनय तिवारी ने अपना जनेऊ दिखाकर विकास दुबे से उनकी जान बचाई थी। चौबेपुर के ही जादेपुर गस्सा गांव के रहने वाले राहुल तिवारी ने आरोप लगाया था कि विकास ने उनके ससुर लल्लन शुक्ला की जमीन का जबरन दान पत्र में बैनामा करा लिया था। इसे लेकर राहुल ने कोर्ट केस फाइल किया। आरोप यह है कि 1 जुलाई को विकास दुबे और उसके कुछ लोगों ने राहुल तिवारी को काफ़ी मारा पीटा और केस वापस लेने को कहा। राहुल तिवारी ने इसकी शिकायत चौबेपुर थाने में की, लेकिन एसओ विनय तिवारी ने शिकायत नज़रअंदाज कर दिया। इसके बाद राहुल तिवारी ने सीओ बिल्लौर देवेंद्र मिश्रा से शिकायत की। सीओ देवेंद्र मिश्रा के निर्देश आने के बाद चौबेपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई। एसपीएन न्यूज़ रूम से शालिनी झा की रिपोर्ट।